इसे महज संयोग ही कहा जा सकता है कि उपचुनाव में बीजेपी की हार के महज 4 दिन बाद ही कैराना से एक परिवार पलायन कर गया। सूबे की सत्ता बदलते ही योगी सरकार ने भले ही पलायन के जिम्मेदारों के सफाई का दावा किया हो, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। दबंगों के खौफ की वजह से शामली ज़िले के झिंझाना थाना क्षेत्र के एक परिवार ने पलायन कर दिया है। शामली ज़िले के केटू गांव निवासी सतपाल का परिवार अपना सारा सामान एक गाड़ी में भरकर नम आँखों से करनाल चला गया। गांव में सतपाल के मकान पर अब लिखा है, ये मकान बिकाऊ है। केटू से पलायन करने वाले सतपाल मंदबुद्धि हैं और उनके परिवार का भरण पोषण रिश्तेदारों की मदद से होता है। सतपाल का गांव में जो मकान है वो उनकी पत्नी रेखा के मायके वालों ने बनाकर दिया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इस परिवार के साथ विवाद का कारण पानी है। रेखा का आरोप है कि ग्राम पंचायत की ओर से लगाए गए हैंडपंप से पानी भरने के दौरान अक्सर दबंग पड़ोसी उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। इसी साल 2 मई और 29 मई को भी उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद डायल 100 पर शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने आकर जांच की। रेखा का कहना है कि आरोपियों के प्रभाव के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गली मोहल्ले ने जिन्हों आराम कर दिया था मुझे, क्या बात हुई? घरों के बाद में भी कब्जा करना चाह रहे हैं, पानी के ऊपर भी बात बात पे छेड़ रहे हैं। मतलब पहले तो सुनवाई भी हो जाती थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। चुनाव अच्छा, के बाद क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, बिना मतलब में छेड़छाड़ मार पीटा। अच्छा, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, चुनाव से पहले करी थी, नहीं कोई कोई सुनवाई कर रहा। ये हद तक ज्यादा हद पार हो ली, इसलिए हम अपने बोरिया बिस्तर बंद करके चरण लग रहे। जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं जाऊंगा। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत ज्यादा है, परेशानी बन रही। जीवित तो नहीं, अपना घर बार कौन छोड़ कर जाओगा? बिना दिक्कत परेशानी तो कोई कुछ कर नहीं सकता। दुकान पे रहते हैं, अड्डे पे रेडी लगा हुए हैं। जी जी है, हमें तो ये भी नहीं पता वो अपनी अपनी मर्जी से उसका जमाई उसने सामान भर के ले गया। हमें तो ये भी नहीं पता वो क्या हुआ, कैसे ले गई। कोई जबरदस्ती, कोई दबाव किसी का कुछ नहीं है। किसी को भी गाँव में, पूरे गाँव में पूछ सकते हो आप। मेरा एक लड़का ही है जी वहाँ, बस सिर्फ बाकी यही लोग हैं वहाँ से। अच्छा अच्छा जी, बाकी उनके रिश्तेदार हैं जो हो गई ना, चार घर हैं, वो उसकी बहन भी है वहाँ से। अच्छा अच्छा हाँ, और बाकी यही लोग हैं। हम तो 6 बजे आ जावे हैं, अथवा शाम को 11 बजे जावे हैं। मेरा घर तो इधर ही है, अड्डे पास के पास। मैंने लड़का उधर भेज रखा, मतलब मेरे पास कई लड़के हैं, जगह कम थी, मगर वहाँ मकान दिलवा दिया था ना, ले जी सरकारी। अच्छा, अजी उसके भी बच्चे, उसके बच्चे पानी भरे हैं वहाँ, आपस में लड़ पड़े हैं। और ये रेखा भी और ये हिना भी, ये दोनों आपस में वासी नल के पावे हैं। इनकी छिना जपटी इनकी आपस में होगी दोनों की। जी एक महीना पहले, एक महीना ही होगा जी, या 10 दिन बाद के पीछे इनकी लड़ाई हो गई जी। लड़ाई में इसका चोट लग गई थी, कहाँ लग गई, खून सा निकल रहा था। किनके साथ हुई थी लड़ाई? इनका लड़ाई हुई थी जी हिना के साथ में, उसकी हिना से नदी, इन्हीं की लड़ाई हो गई जी। वो इसका जमाई आ गया, उन्हें लेके चलेगा झिंझाने जी। उनने तो डांगदेरी करवा ली, डांगदेरी करवा के जी उनने मान लो रिपोर्ट कर दी, इन्हें कुछ नहीं करा। ये बेचारे सीधे भले आदमी थे, अपना खेला बेचो गए।